भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के आठवें अध्याय की आठवें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक का महीना साक्षात नारायण का स्वरूप माना जाता है और जो मनुष्य कार्तिक माह में प्रातःकाल जल्दी स्नान करता है, दान पुण्य करता है, भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के पुण्यों का उदय होता है तब उसे इस संसार में समस्त सुखों की प्राप्ति होती है और वह इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार कार्तिक माह बड़ा ही दिव्य और पुण्यदायी महीना माना गया है। सभी महीनों में कार्तिक माह को सबसे उत्तम माह माना गया है। भगवान नारायण सर्वाधिक प्रसन्न अवस्था में कार्तिक माह में रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक माह के प्रत्येक दिन कार्तिक की कथा का श्रवण करता है उसे कार्तिक स्नान और पूरे महीने के व्रत करने का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो अब हम आपको कार्तिक महीने के आठवें अध्याय की आठवें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक माह के आठवें अध्याय की कथा प्रारंभ करने के पूर्व गुरुदेव की स्तुति करेंगे तथा भगवान की स्तुति करेंगे, क्योंकि गुरुदेव और भगवान की स्तुति करने से हमें कथा का पुण्य फल संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। तो चलिए सबसे पहले गुरु वंदना करने के पश्चात भगवान की स्तुति करेंगे और उसके बाद आपको कथा सुनाएंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणिं फुल्लेन देवरकांतिमिन्दुवदनं वरहावतं सप्रियं श्रीवत्सांकमुदार कौस्तुभधरं पीतांबरं सुंदरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंधावृतं गोविंदं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषणं भजे। वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रद्वाषकनककपीशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रावीशत गीत कीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश
इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री यमुने महारानी की जय। भक्तजनों, कार्तिक माह के आठवें अध्याय की कथा का प्रारंभ करते हैं। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का कपिल लिखे आठवां अध्याय। नारद जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं कार्तिक माह के इस व्रत के उद्यापन की विधि आपको बताता हूं, इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। व्रती को चाहिए कि कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी माता के ऊपर चंदोबा बनावे, बंदरवार व फूलों से सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित मंडप की स्थापना करे, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील सुशील जय और विजय इन चार द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी जी की जड़ों में चार रंगों द्वारा सर्वतो भद्रमंडल चक्र बनावे, उसके ऊपर पंच रत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढक देवे। फिर भगवान विष्णु का पूजन करे। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बना करके उनका सबसे पहले षोडशोपचार या पंचोपचार या अपनी श्रद्धा भक्ति के साथ में पूजन करे और उसके पश्चात भगवान का पूजन करे। व्रती विविध प्रकार के वाद्यों के साथ में कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों को 100 जन्मों के पाप को प्रभु नष्ट कर देते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात भर भगवान का भजन कीर्तन करता है, उनको असंख्य गौदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेकों जन्म के एकत्रित पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाती है। जो भगवान के सम्मुख बैठ करके कीर्तन करता है और भगवान के सामने बंशी बजा करके भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसके करोड़ों तीर्थ करने का पुण्य फल उसे तुरंत ही प्राप्त हो जाता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मण को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलाए और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन कराए और यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य का रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान करता है, हवन करता है, प्रभु का नाम स्मरण करता है, कीर्तन करता है या भगवान के नामों का जप करता है, तो भगवान उसे अक्षय और अनंत पुण्य फल प्रदान करते हैं। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सपत्निक सामर्थ्य के अनुसार उनको भोजन अवश्य कराए, यानी पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण भोजन करवाने का अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा प्रदान करे, वस्त्र दान देवे, अन्न दान देवे, फल दान देवे तथा इन सब दान देने के बाद में उनको श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करे। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी माता व कपिला गाय का पूजन करे। व्रत की कथा सुनने वाले और सभी भक्तों को भी जो है महाप्रसाद या भोजन आप ग्रहण करवा सकते हैं। इसके बाद जिस ब्राह्मण के मुखारविंद से आपने कार्तिक की कथाओं का श्रवण किया है, उनको द्रव्य दक्षिणा दान देवे, वस्त्र दान देवे और गौ दान देवे, अन्न दान देवे और अपने सामर्थ्य के अनुसार आभूषण स्वर्ण दान भी उनको देना चाहिए। इस प्रकार उनकी पूजा करके सभी प्रकार के दान उनको करने के बाद में क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न
रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक परम पद की प्राप्ति हो जाए। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गौ माता, स्वर्ण आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा सभी कथा सुनाने वाले विद्वान ब्राह्मण को ही दान करें, क्योंकि दान भी विद्वान को ही दिया जाए तभी वह फलीभूत होता है। दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, कभी भी कुपात्र को दान नहीं दिया जाता है। सुपात्र को दिया हुआ दान ही फलीभूत होता है। और दान पुण्य करने के पश्चात घर वाले और मित्रों के साथ में भोजन करें। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास के व्रत और उद्यापन को करता है वह पाप रहित होकर के मन वांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और उसके जीवन की समस्त अभिलाषाएं, समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और इस लोक में वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता हुआ अंत में मोक्ष पद को प्राप्त करता हुआ वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कार्तिक माह के 8वें अध्याय की कथा का यहां पर समापन होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धननाथ भगवान की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद कथा का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस हेतु आप नगद राशि के रूप में दान दक्षिणा, वस्त्र दान, गौ दान या अन्य कोई भी दान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धन राशि पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। और आपसे अनुरोध है कि यदि आप इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो कि व्रत पर्व त्योहार के नाम से है उनको ज्वाइन करके और सबसे पहले इस ग्रुप की और इस चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी को आप सबसे पहले प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।